नमस्कार, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू। कंपनी बाग और जिगर मंच पर चल रही जोर शोर से तैयारी। नौवीं वाहिनी पीएसी में 21वीं अंतरवाहिनी कुश्ती बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले। वाल्मीकि समाज का मंडलीय अभिनंदन समारोह आयोजित। राष्ट्रीय सफाई आयोग के चेयरमैन मनहर भाई वालजी भाई जालाजी रहे मुख्य अतिथि। शिवसेना के राज्य महासचिव सिमरन गुप्ता पहुंचे महानगर। जिले के कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। नगर निगम की अनदेखी से 3 दिन से बह रहा है जीवनदायिनी जल। लोगों को हो रही भारी परेशानी। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी इस वर्ष 10 मई से शुरू होगी, जिसके लिए कंपनी बाग में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर में महीने भर तक चलने वाला मनोरंजन का मेला 10 मई से शुरू होगा। ताज महोत्सव की तर्ज पर ही कृषि प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसके लिए कंपनी बाग स्थित जिगर मंच पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे 1 महीने धूम रहेगी जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की। साथ ही जिगर मंच पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। सड़कों के किनारे दुकानें सजेंगी, बच्चों के लिए झूले होंगे, खिलौनों की दुकानें होंगी। वहीं प्रदर्शनी के ठेकेदार आबिद हुसैन ने कहा कि 10 मई से शुरू होने जा रही प्रदर्शनी के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज की तैयारी कम्प्लीट हो चुकी है कि दुकानें हमारी लगभग सारी पूरी हो गई है। 2-1 दिन में दुकान कम्प्लीट हो जाएंगी हमारी। और झूलों में इस बार क्या नए झूले किस तरह के? तो हमने 30 में तो कम्प्लीट लगा हुआ है। अब जैसे 2-3 झूले हमने नए मंगाए हैं। एक जो टावर है वो 100 फीट ऊपर जाएगा, मून टावर। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आइटम है और कोई उसमें खतरे का भी नहीं है, बहुत अच्छा है। अब पूरी प्रदर्शनी में कितनी दुकानें होंगी और किस तरीके के स्टॉल होंगे इस बार जो ग्राहक आएंगे? सब तरह की स्टॉल हैं। कुछ लोग हमने कुछ कालीन वाले को बुलाया, भदोही से कालीन वाले भी आ रहे हैं, बेडशीट वाले भी आ रहे हैं, ज्वेलरी फिरोजाबादी किराने भी आई है। सभी जगह से मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा भी और जगहों से भी मुझे स्टॉल बुक हुआ है। नागालैंड से भी कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, इस प्रदर्शनी में किन विशेष बातों का ध्यान रखा गया है, क्या इस बार अच्छा हुआ है? प्रदर्शनी में विशेष ध्यान क्या, प्रदर्शनी में तो हमेशा से शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से प्रदर्शनी लगती है कि और पब्लिक के लिए हर तरह की सहूलत दी जाती है। मनोरंजन के स्टेज प्रोग्राम होते जिगर मंच पर, उसका भी कोई टिकट नहीं है, सब फ्री आपका कास्ट है। पहले आओ पहले पाओ जगह का सिस्टम है और प्रोग्राम भी जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम कैसे रखे हैं। गत वर्ष से अच्छे प्रोग्राम हो रहा है। रविवार को नवी वाहिनी पीएसी में 21वीं अंतरवाहिनी कुश्ती बॉक्सिंग 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ सेना नायक सभा राज ने गुब्बारे उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में बॉक्सिंग में कड़े मुकाबले देखने को मिले। आज नवी वाहिनी पीएसी में 21वीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती बॉक्सिंग कबड्डी और भारतोलन 4 दिवसीय प्रतियोगिता के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। शुभारंभ करने पहुंचे 24वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट सभाराज ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सभी टीमों के मैनेजर से परिचय किया। परिचय के बाद जोन की 13 टीमों ने मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट किया। Thank you.
गौतम बुद्ध नगर और अंत में मेजबान भवि वाहिनी की टीमें मंच से गुजरती हुई। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कृपया मार्च पास्ट के बाद खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में खेल भावना से हिस्सा लेने की शपथ ली। पीएसी पश्चिमी जोन की 21वीं अंतरवाहिनी कुश्ती भारोत्तोलन बॉक्सिंग एवं कबड्डी प्रतियोगिता पालन करते हुए प्रतियोगिता की भाग लेंगे और अपनी संस्था के शपथ के बाद मुख्य अतिथि ने गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों के लिए दो लाइनें इस खुशी के मौके पर। हंसी आपकी कोई चुरा नहीं पाए, वो 25 वीर जवान थे, तो रोजी वो घर को जाने वाले थे, उनकी बात किए थे, कुछ खाना खाकर करने वाले थे। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में कड़े मुकाबले देखने को मिले। पुराने
वहीं बॉक्सिंग के बाद 24वीं वाहिनी पीएससी और 15वीं वाहिनी आगरा के बीच कबड्डी का रोचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें 24वीं वाहिनी की टीम ने जीत हासिल की। आज चार इवेंट्स हमारे यहाँ जो है खेलों के प्रारंभ हुए और मुख्य अतिथि श्री सभाराज 24वीं वाहिनी पीएससी सेनानायक महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये पूरे पश्चिमी जोन की 13 टीम इसमें भाग ले रही है, जो आज दिनांक 7 से लगा करके 10 तारीख तक जो है लगातार ये गेम चलेंगे चारों, और ये वेस्टर्न पश्चिमी जोन की 13 टीमें इसमें लगातार भाग लेंगी, भारतोलन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और कबड्डी। सर कुछ प्लेयर्स यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम के लिए भी चयनित किए जी हाँ, यहाँ से जो है अभी ये जोन का हो रहा है तो फिर इसके बाद जो है इंटर जोन होगा, इसमें काफी खिलाड़ी हमारे वेस्टर्न जोन से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ और वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में पंचायत भवन में विशाल अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सफाई आयोग भारत सरकार के चेयरमैन मनहर बालजी भाई जालाजी और विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ व वाल्मीकि समाज के तत्वावधान में भारत रत्न डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी के 126वें जन्मदिन के उपलक्ष में पंचायत भवन मुरादाबाद में विशाल मंडलीय अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री दर्जा एवं चेयरमैन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार मनहर बालजी भाई जालाजी तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंचायत राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र चौधरी, नगर विधायक रितेश गुप्ता को डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा का स्मृति चिन्ह व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति कर्मचारी अधिकारी संघ तथा अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ आदि द्वारा समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिए गए। मनहर बालजी भाई जालाजी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के हर संभव निस्तारण के प्रयास किए जाएंगे। उन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सफाई कर्मचारी संघों द्वारा जो ज्ञापन दिए गए हैं उनके संबंध में कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। यह समस्याएं अधिकारियों के समक्ष बैठक में रख निस्तारण कराया जाएगा और सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोग विशेष रूप से प्रयासरत है। आज मैं और हमारी सदस्य मंजू दिलर जी मुरादाबाद में आए हैं। यहाँ पे सफाई कर्मियों की बहुत सारी समस्याएं हैं। समाज और सफाई कर्मियों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है और हम सब दोनों उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं और कल हमारी एक मीटिंग भी होगी सक्षम अधिकारियों के साथ और ये सारी समस्या हम उस मीटिंग में रखेंगे, उनका हल निकालेंगे और सफाई कर्मियों को न्याय दिलाएंगे। सर, जैसे कि यहाँ कार्यक्रम हुआ है तो क्या आप क्या प्रयास रहेगा जो इन्होंने ज्ञापन भी दिया आप लोगों को? जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन सब हम कल मीटिंग में रखने वाले हैं। उस मीटिंग में हर मुद्दे पर हम अधिकारी से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो भी समस्या जल्द से जल्द हो हल होगी वो हम पहले देखेंगे और कोई समस्या ऐसी भी होगी जो समय भी लग सकता है लेकिन हम उसको आदेश करेंगे कि जल्द से वो निपटाए। सर, एक यहाँ अवकाश बर्मी की जयंती पर रहता था, सरकार ने रोक लगा दी है, क्या प्रयास रहेगा यहाँ? जो वाल्मीकि जयंती अभी यहाँ पे जो मुद्दा वाल्मीकि जयंती का है उस मुद्दे पर ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है लेकिन हम अपने स्तर पर हम ये बात रखेंगे। प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे क्या? पंचायत राज मंत्री स्वतंत्र प्रभार भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है, कार्यक्रम में बुलाकर उनका सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से जो समस्याएं बताई गई हैं उनको मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचाया जाएगा और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में उल्लिखित सभी विषयों पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने जान की बलि देकर देश को बचाया है, जैसी उस समय कल्पना की थी कि यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है और आप लोगों की भावना के अनुरूप कार्य करना हमारा दायित्व है। जो समस्याएं हैं उनके लिए संघर्ष करते रहना है और समाज के सामने बहुत सारे प्रश्न मुंह खड़े हैं। हमने देश की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने पुरखों ने कुर्बानियां देकर जिस भारत की कल्पना की थी आज उसके एकदम उलट चीजें दिखाई देती। सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर जिस प्रकार की कल्पना हम उस समय की गई थी कहीं ना कहीं वो भावनाएं ठेस हुई हैं और हम लोगों को उसका सबका कर। मैं पुराने लोगों को उनकी कार्य पद्धति के बारे में उनके कार्यशैली के बारे में जो उन्होंने किया इस देश और इस समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है लेकिन अब जवाबदेही हमारी ओर है तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी आप सब लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं काम अपनी बात कहता हूँ। समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया और आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों के सक्रिय सहयोग से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो आप लोगों की भावना के अनुसार काम करना हम लोगों का नैतिक दायित्व है। सब लोग समाज में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिनकी आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम मना रहे हैं उन्होंने जिन विषयों को लेकर संघर्ष किया उसमें आज कुछ परिवर्तन तो है लेकिन समस्याएं जो भी तो उन सब विषयों को लेकर हमें संघर्ष करके आगे बढ़ना है। ये मत सोचना कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं हमारे विषय वो समाप्त हो गए
मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि उस समर्थ विषयों को जिंदा करके संघर्ष के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ज्वलंत विषयों की चर्चा होती है और समाज में जो विषय उन मुद्दों के लिए संघर्ष करता है उसे राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सफलता मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों ने लंबे समय तक संघर्ष उन विषयों के लिए किया है तो आज कहीं ना कहीं वो मुद्दे ज्वलंत है और कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी सरकार उन्हें अवहेलना करके उन्हें अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकती। भारतीय जनता पार्टी पर तो आपका हमेशा ऋण रहा है और उस ऋण को हम लोग चुकता करने के लिए अवसर हमें मिला, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। आप लोगों के स्नेह और समर्थन से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल से सरकार आप लोग चला रहे हैं और आपके आशीर्वाद से इसमें से उत्तर प्रदेश में भी इस बार सरकार बनाने का अवसर मिला है। तो जो विषय है, बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या जो भी हमारे सामाजिक विषय हैं, उन सब पर एक बड़े स्तर पर हम लोग आप सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। सब स्थानीय लोग हैं, मैं भी उनके बीच में, मेरी सक्रियता कुछ कम रही है उन समस्त इसके कारण कुछ चीजें रही होंगी, मैं अपनी गलती को अपनी भूल को सुधार करते हुए, क्योंकि मेरे पास संगठन का काम रहा है लंबे समय तक, तो मुरादाबाद में निवासी मुरादाबाद का हूं मैं, लेकिन बहुत ज्यादा उतनी आत्मीयता संपर्क मेरा नहीं रहा, मैं उसे बढ़ाने का काम करूंगा और समाज के मन में मुझे लेकर पार्टी के लेकर जो प्रश्न होंगे हम लोग रितेश गुप्ता जी और सब साथ मिलकर उनका समाधान करेंगे और आपके दुख दर्द में आगे बढ़कर सहभागिता प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि वाल्मीकि समाज का सदैव ध्यान रखा जाएगा, जो शिकायतें हैं उसके निस्तारण के लिए प्रशासन एवं शासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संख्या में सम्मानित जन मातृशक्ति, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती वर्ष का कार्यक्रम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 126वां जन्मदिवस है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य मंजू दिलेर ने कहा कि कर्मचारियों की जो समस्याएं व ज्ञापन आए हैं उनके निस्तारण के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जो शिकायतें स्थानीय स्तर की हैं कल आयोजित होने वाली बैठक में रखी जाएंगी और उनका निस्तारण कराया जाएगा तथा जो शिकायतें स्थानीय स्तर पर निस्तारित नहीं हो सकती हैं उनका शासन स्तर से निस्तारण करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जो समस्याएं मुझे लगता है कि वो लोकल स्तर की जो समस्याएं हैं उन्हें तो हम लोग कल ही सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो सब रहेंगे, यही कि यही उनका समाधान करेंगे। बाकी जो समस्या कहीं शासन से है या पेंडिंग की है तो उसको हम शासन के लिए लिखेंगे और शासन से बातचीत करेंगे कि उसका भी जल्द से जल्द समस्या हो। एक सवाल अभी आपने हमारे चेयरमैन साहब से किया तो उस छुट्टी में बहुत सारे महापुरुषों की छुट्टियों को कैंसिल किया है, लेकिन हम लोग विशेष आग्रह करेंगे अपनी सरकार से कि हमें कम से कम एक छुट्टी जो सिर्फ वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के उस पर मिलती है तो ये छुट्टी हमें मिले। आज वाल्मीकि नवयुवक संघ मुरादाबाद मंडल की ओर से नव निर्वाचित जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के VIP थे उन लोगों का हम लोगों ने जिसमें चीफ गेस्ट राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मनरबाल जी और विशेष अतिथि हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और हमारे बीच में सीनियर अभिनेत्रा हमारा लोकेश तिलकधारी भाई और माननीय राज्य मंत्री मंजू दिलेर जी व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र की पूरी कार्यकारिणी व प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी व विभिन्न जनपदों और प्रदेश से आए लोगों को यहाँ पर एकत्रित हुए और नवयुवक संघ की तरफ से मुरादाबाद की धरती पर वाल्मीकि समाज की ओर से सबका अभिनंदन किया गया। सबको स्मृति चिन्ह अम्बेडकर जी की प्रतिमा भेंट की गई है, सबको पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया है और वाल्मीकि समाज की जटिल समस्याएं प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। इसमें प्रमुख मांग हमारी ये है कि वाल्मीकि समाज को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है,
जिसके कारण वाल्मीकि समाज लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। हमने मांग की है कि अनुसूचित जाति जनजाति कोटे में से अलग से पृथक हमें आरक्षण दिया जाए या एसटी में शामिल कर कौम के लोगों को लाभ दिया जाए। दूसरी हमने मांग रखी है भारत सरकार और प्रदेश सरकार के समक्ष के हमारे कर्मचारियों को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। वो शोषण इस तरीके से किया जा रहा है, कहीं पर 5,000, कहीं पर 7,000, तो कहीं पर 9,000, कभी 10,000। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अध्यादेश जारी किया है, उन्होंने क्या है कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन, जब काम एक सा करते हैं तो वेतन अलग अलग क्यों दिया जाए। तो हमारी मांग है कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर पूरे भारत के अंदर लागू किया जाए, ये मांग हमने रखी है। और एक मांग रखी है पंचायत विभाग के अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी से स्वच्छ भारत अभियान ग्राम को स्वच्छ नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमने 3 सफाई कर्मचारियों की मांग की है। हमने मांग की है कि ठेका प्रथा और सोसी पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए हेल्थ मैनुअल एक्ट, स्वास्थ्य मैनुअल एक्ट के अनुसार भर्ती सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की जाए। हमने मांग रखी है कि जहां पर वाल्मीकि सफाई मजदूर जो पन्नी डालकर कभी खपरेल डालकर कभी छप्पर डालकर रहते थे, आज उन्होंने ऋण लेकर सोसाइटियों से लोन लेकर अपने घरों को पक्का बनाया है। पूर्व की सरकारों द्वारा पेट में दर्द हुआ था, आपने देखा होगा अपेंडिस का, उन्होंने हमारे घरों को तोड़ने की साजिश की, उनको देखकर करने की साजिश की गई। तो हमने मांग की है कि जिस जगह पर दलित समाज वाल्मीकि समाज सफाई मजदूर जहां पर रहता चला रहा है, उनको राजस्व विभाग की तरफ से उनको मालिकाना हक दिलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 10 और 15 साल से जो भी अधिक समय पर जिस जमीन पर रहेगा उसको उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, लोगों को उजाड़ने की षड्यंत्र साजिश की जा रही है। हमने मांग की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कि अभी 12 छुट्टियाँ निरस्त की गई हैं। हमने मांग की है कि भगवान वाल्मीकि महाराज जो माँ सीता के रक्षक, रामायण के लेखक और लव कुश के शिक्षक, अगर हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं तो वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित त्यौहार हैं। हमने मांग की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर मोदी जी से हमने मांग की है कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर जाने में जो, और प्रदेश सरकार से हमने मांग की है जो उन्होंने छुट्टी हमारी निरस्त की है, कर इस पर पुनः विचार किया जाए और वाल्मीकि छुट्टी को बहाल किया जाए। इन काफ़ी मांगों को हमने 5-7 सूत्रीय मांग हमने प्रधानमंत्री जी को सौंपा है और 10 सूत्रीय मांग पत्र हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। कार्यक्रम का संचालन रंजीत सिंह काका, प्रदेश महामंत्री वाल्मीकि नवयुवक संघ ने किया। इस अवसर पर लोकेश तिलकधारी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षित होकर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और समस्याओं का अंत होता है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष जुगल किशोर वाल्मीकि, साध्वी गीता प्रधान, ओमीलाल वाल्मीकि मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नवयुवक संघ सहित सफाई कर्मचारी संघों के पदाधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि जो लोग इस काम को मुकम्मल करने में अपना सहयोग कर सकते हैं उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। अधिकतर लोग इस काम से बचकर अपना मुनाफा और फायदा देखते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। ऐसे ही हैं श्री साई ग्रुप के MD धर्मेंद्र सिंह, जिन्हें लखनऊ में आयोजित हुए एक निजी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मानित किया। आज के समय में जब हर कोई अपना मुनाफा और अपना फायदा देखने के अलावा और कुछ नहीं सोचता, ऐसे समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों से ऊपर सोचते हैं और समाज के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग बखूबी दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं श्री साई ग्रुप के MD धर्मेंद्र सिंह, जिन्हें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में आयोजित हुए एक निजी कार्यक्रम में सम्मानित किया। दरअसल धर्मेंद्र सिंह को ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों में योगदान देने और प्रयासरत रहने के लिए सम्मानित किया गया। आज हमारे संवाददाता गोविंद पाल उनके कार्यालय पर पहुंचे और उनसे आगे की रणनीति पर बातचीत की। भाइयों, बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि दिनांक 24 अप्रैल को इंडिया वॉइस चैनल ने सरकार बनने पर पक्ष और विपक्ष दोनों की कार्रवाई में के साथ साथ, और जो उभरते हमारे राजनेता हैं इस समय उत्तर प्रदेश के 10, उनको अवार्डेड किया था। और साथ ही साथ जो इस समय बिजनेस में जो लोग काफ़ी कड़ी मेहनत करके संघर्ष करके इसमें उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन लोगों को भी सराहनीय एक जो है ट्रॉफी दी गई। उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौर्य जी मौजूद रहे और हमारे कई कैबिनेट के मिनिस्टर वहाँ मौजूद रहे,
और हमारे एक विधानसभा के जो प्रभारी हैं, इस समय अध्यक्ष हैं दीक्षित जी, वो भी मौजूद थे उस प्रोग्राम में। पक्ष विपक्ष में काफ़ी वहाँ पे गहमा गहमी रही और तर्क वितर्क रहे। उसके बाद हमारे बिजनेसमैनों के लिए अवॉर्डेड के लिए बुलाया गया, तो उसमें हमारे यहाँ से दो तीन लोग और भी थे, लेकिन हमें दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि किसी ने भी अभी तक गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी तक कोई भी गांव से पलायन करने वाली जो जनता हमारी शहर में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उनके पास आवास नहीं है, उसको देखते हुए किसी ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए, जिसको देखते हुए हमने अभी एक 1100 बीघे में प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग 31 मार्च को कर दी गई थी और उसकी अब लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हमने सस्ते से सस्ता मतलब 1 बीघा ज़मीन बेचकर इंसान अपना मकान बना सकता है उसके अंतर्गत। तो हम उसमें 2.5 लाख रुपए से प्लॉट लेकर आए हैं 100 गज का, और उसमें 3000 प्लॉट्स हम लाए हैं, और ये बुढ़नपुर के पास है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है और दिल्ली रोड पर बना रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति अपना घर आसानी से ले सके और वो शहर के नज़दीक रह के अपने बच्चों को पढ़ा सके, और उनके बच्चे जो पढ़ के आज देहात में लड़कियां यहाँ से पढ़ के ट्यूशन पढ़ के वापस जाती हैं, जिनको जो दिक्कत रहती है वहाँ, जो परेशानी होती है, रास्ते में डर लगा रहता है माँ बाप को, वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि उनको आज की तारीख में 4 लाख रुपए में कहीं कोई प्लॉट नहीं मिल सकता। लेकिन हम उसको अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी संस्था श्री साईं पास ग्रुप अपनी एक कंपनी के अंतर्गत इसको ला रही है इस प्रोजेक्ट को, और इस तरह के निरंतर प्रोजेक्ट मैं लाता रहूँगा, जब तक मेरी मुरादाबाद की जनता को इसकी ज़रूरत रहेगी तब तक बनाता रहूँगा और सस्ते से सस्ता प्लॉट इनको देता रहूँगा। यही मेरी एक एम है और मैं इसमें लगातार निरंतर बढ़ता रहूँ। ये जो अवार्ड है कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड है हमारा 2017 में हमें अचीव करने के लिए अवार्ड दिया गया है, कि जो सोच हम लेकर आए हैं कॉलोनाइजिंग में, बिल्डर ग्रुप में बिल्डिंग्स बनाने में बड़े बड़े 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को बेचने के लिए बहुत लोगों ने सोचा, लेकिन अभी तक प्लॉट्स सस्ते देने के लिए किसी कंपनी ने नहीं सोचा, किसी संस्था ने नहीं सोचा। जो हमने सोचा है इस पर हमारी गवर्नमेंटें भी बराबर निरंतर, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जगह जगह इस तरह के प्लॉट्स दे सकें ताकि गरीबों को आवास मिल सके। उसी पैटर्न पर कोई ज़रूरी नहीं कि सब काम हमें गवर्नमेंट से ही कराने, अगर हम सक्षम हैं, हमारे अंदर दिमाग है और हम कर सकते हैं, तो हमने कोशिश की है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग भी इस कार्य को करें ताकि लोगों को अपना आवास मिल सके। और उसी पर हमें जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है जो आपके समक्ष। रविवार को शिवसेना के राज्य महासचिव सिमरन गुप्ता ने दिल्ली रोड स्थित पार्क स्क्वायर में जिले भर के कार्यकर्ताओं की बैठक कर संगठन की समीक्षा की और संगठन को मजबूत करने को दिशा निर्देश दिए। शिवसेना के राज्य महासचिव सिमरन गुप्ता ने मुरादाबाद पहुंचकर रविवार को दिल्ली रोड स्थित पार्क स्क्वायर में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने पर बल दिया और मुरादाबाद संगठन की तारीफ भी की। एक संगठन की मीटिंग थी, जो भी मुझे अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था कि तुमने मुरादाबाद जाना है और जिला समीक्षा करनी है, उसके बाद अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, जो जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब जी, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, आया यहाँ पे। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर संगठन अच्छी तरह कार्य कर रहा है और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ रहा है। जो हमारे पहले जिला अध्यक्ष थे, जिन्होंने शिवसेना को एक दुकान बना रखा था, वो दुकान पूर्णतः बंद हो चुकी है और अपने लिख रहे हैं, वो फर्जी हैं। फर्जी तौर पे हर कोई कार्य करता रहे, हिंदुत्व के नाम पर दुकान चला रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, वो संगठन ही उनका शिवसेना का है और अपने आप को जिलाध्यक्ष में लिखना है, तो आप पार्टी के मेन पदाधिकारी हैं क्या? आप कुछ अभी ऊपर से कहा गया है, जो भी है, जैसे कि आपने देखा होगा बरेली में मैंने एक पंकज पाठक के उनके खिलाफ FIR कराई है ना, अभी आगरा में बिनू लबानिया है उनके खिलाफ भी FIR हुई है। अब स्टेप बाई स्टेप सारे कार्य होंगे। अगर आप लोग प्रेस वालों ने साथ दिया और हमारे साथ हमारे शिवसैनिक आगे बढ़ेंगे, नेचुरली दिन रात दिन बढ़ रहे हैं, तो अपने आप ही वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें FIR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्टल, क्यों FIR करा के तो हम लोग खुद उनके लिए मजबूत करेंगे। क्या आगामी जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, क्या शिवसेना या? हाँ, आगामी निकाय चुनाव में शिवसेना सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना एक मांग करती है, जो मुरादाबाद के मेयर हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में जितना भी काम कराया है मेयर फंड से, उस सब की जांच की भी मांग करेंगे हम लोग कि मेयर ने पहली बार चुनाव लड़ते वक्त चुनाव अधिकारी को कितनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और अब कितनी संपत्ति है,
जैसे कि मैं अभी थोड़ी दूर तक ही आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुरादाबाद में कोई विकास कार्य हुआ है। इस मौके पर जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, बबलू पाल, मंजू राठौर, रंजीत कश्यप आदि शिवसैनिक उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर AP सिंह ने की। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी नगर निगम चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही नगर पंचायत, नगर पालिका और कांग्रेस के संगठन की सदस्यता पर प्रकाश डाला गया। बैठक में डॉक्टर AP सिंह ने बोलते हुए कहा कि आगामी नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। कोई निवेश नहीं आ रही, ये भाग के कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज है जो देश को बड़े बड़े उद्योगपति लूटे जा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल समय जरूरत। बचपन में आप लोग सब लोग हम लोग खेलते थे कि झूठ झूठ बच्चे जो है खेलते हैं, कागज के नोट बना लेते हैं, चीज लेकर के ले भाई मैंने कागज का नोट लिया दे दी गई, आपसे कह दिया आप नंबरों पे खेलो, चीज वाला रेन वाला समझ रहा है मेरे पे आ गया। मैंने फ्रीज जाके खरीदा, बोले लाओ जी कितने का है, बोले 24,000 का, बोले लो जी 24,000 का, बटन दबाया, बोले साहब आ गए, बोले हाँ आ गए यार, ये चेक दे दिया, वो भी कागज का टुकड़ा ही, उसके भी वो भी ऐसे ही जैसे बच्चे खेले। और हजार हजार करोड़ के, कई कई हजार करोड़ के, लाखों लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन उस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा। देश की पूरी जनता और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिल्म वाले हैं, उन सबको इसके अंदर शामिल कर लिया हुआ। बैठक का संचालन शकील सरवर हाशमी ने किया। इस मौके पर श्याम बाबू वाल्मीकि, मुशाहिद चौधरी, नवनीत मिश्रा, राजेश पाल, फहीम मिर्जा, राजवीर सिंह सैनी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आगामी नगर निगम, नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषद के चुनाव तथा कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता का कार्यक्रम चल रहा है उसकी अंतिम तिथि 15 मई है, उसके संबंध में साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम 15 मई के बाद शुरू होना है। उसका वो कार्यक्रम के माध्यम से उनका देश के लिए योगदान क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने देश में खुशहाली और संपन्नता के रास्ते बनाए, उन्हें आयरन लेडी किस क्यों कहा गया, इन सारे विषयों पर जो है हम लोग गोष्ठी करेंगे और लोगों के बीच में बस्ती बस्ती जा करके उनके कार्यक्रमों के माध्यम से उनके योगदान को लोगों तक। रविवार को ऑल इंडिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा सेनानी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आज कंपनी बाग स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें SK पूर्वी को संरक्षक, इशरत उल्ला खां को अध्यक्ष, PK शर्मा वैद को उपाध्यक्ष, लल्लू सिंह को महामंत्री, राकेश कुमार शर्मा को कोषाध्यक्ष, जितेंद्र कुमार गुप्ता को संगठन मंत्री चुना गया। ये हम किसको मानते हैं, ये आवश्यक होना आवश्यक। अगर हम याजी जी को मानते हैं तो उनसे संविधान लेना चाहिए, याजी जी के संगठन पर चलते हैं तो हमें उनसे संगठन का संविधान लेना चाहिए। हम केवल हवा में तीरंदाजी करते रहे उससे कोई फायदा नहीं, धरातल पर भी होने चाहिए। हर संस्था का एक संविधान होना आवश्यक है, बिना संविधान की संस्था कभी भी नुकसान दे सकती है। जब तक चल रही है अच्छा है, लेकिन किसी समय भी नुकसान हो सकता है, तो भविष्य को देखते हो, भविष्य में कोई बड़ा नुकसान ना हो और नुकसान की कोई रूप बनकर नहीं आता, कैसे भी हो सकता है। तो निवेदन है कि संविधान के विषय में आप अपना पक्ष क्लियर करें कि हम यादव जी से संविधान लेंगे या हम अपना स्वयं का संविधान सब व्यक्तियों से राय करके बनाएंगे, सबके राय दो में से एक बात। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें श्री इशरतुल्ला जी अध्यक्ष चुने गए और उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सिसोदिया, अचल दीक्षित, डॉक्टर PK शर्मा व महामंत्री के पद पर श्री लल्लू सिंह जी को चुना गया है। उप सचिव शोभा धर्मवीर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री राकेश कुमार शर्मा, संगठन मंत्री राजेंद्र कुमार गुप्ता,
जितेंद्र कुमार गुप्ता, कार्यालय मंत्री राम सिंह और इसके अलावा कार्यकारिणी के सदस्य अभी पूरे नहीं चुने गए हैं, उनमें सिर्फ अभी दो का नाम ही सामने आया है। श्री कटियाल जी का नाम है, श्री ओसामा फरीदी, कुमारी फुरकानी खुर्शीद और श्री बलदेव राज अरोड़। इसमें जो बाकी मेंबर्स होंगे उनका नाम बाद में है। रविवार को मुरादाबाद विकास संघर्ष समिति की एक बैठक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य ब्रास वेयर के पूर्व अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने की। आज नेहरू युवा केंद्र में मुरादाबाद विकास संघर्ष समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश ब्रास वेयर के पूर्व अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने की। बैठक में शहर में जाम की समस्या को लेकर चर्चा की गई, साथ ही पुरानी तहसील पर अब तक पार्किंग, दुकानें, कार्यालय आदि का निर्माण न होने पर सरकार से जांच करने की मांग की। क्या है कि सब्जेक्ट मुझको याद है 1962 से शुरू हुई थी पहले, उसमें गब्देवाल जितना पाइप पढ़ना चाहिए उन्होंने खुदाई जो कर दी उसकी मिट्टी ले जाके बेच दी कहीं और वो बेची और वही मिट्टी आगे पड़ जाएगी पंचायत का। अब तहसील है पुरानी तहसील, हमने कहा इस तहसील को शिफ्ट कीजिए, वो शिफ्ट कर दी गई। चलो, बैठक का संचालन संदीप गुप्ता ने किया। इस मौके पर अमरीश गर्ग, आफताब मोहम्मद, आशकार अनुज सिन्हा आदि मौजूद रहे। आज हमने मुरादाबाद विकास संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर मीटिंग बुलाई, जो हमारी इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसको नॉन पॉलिटिकल, जिसमें सब लोग इसके में आ सकें, इसका नाम रखा है। और हमारी जो डिमांड्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की है, मेडिकल कॉलेज की है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की है और जो चारों तरफ पुल जो बने हैं, ये हमारी डिमांड्स में शामिल थे। ये तो हुई उत्तर प्रदेश सरकार से मांग। तो हमने स्थानीय विधायक को यहाँ पर 15 अप्रैल को बुलाया था, उनको एक ज्ञापन सौंपा था, उसके ऊपर उन्होंने विभागीय मंत्रियों से मिलना शुरू कर दिया और उम्मीद यह है कि ये जल्दी से हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। आज हमने जो यहाँ पर खासकर मीटिंग बुलाई, या आज हमारे शहर में देख लीजिए, ना तो आपको सड़कें ठीक मिलेंगी, किसी भी गली मोहल्ले में चले आइए गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। दूसरा ना हमको साफ पानी मिल रहा, ना स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम दूर हो रही, ना कोई शिक्षा की प्रॉब्लम दूर हो रही। 24 घंटे बिजली का वादा किया गया, आप देख लिए हम लोग बैठे हुए हैं 2 घंटे से लाइट नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील है, हमने कहा पुरानी तहसील को हटाइए यहाँ से, जाम लग जाता है। तो इस तहसील को टाउन हॉल से मिलाकर इसमें आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, पार्किंग बनाएं, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, ऊपर ऑफिसेज हो। इन्होंने ये तो बात मान ली कि चलो तहसील हटा दी, लेकिन उस तहसील का करा क्या? पापा कौए मुँह कैसे नहीं मानेंगे? हमको अपने लिए थोड़ी मांग जाए, हम तो समाज के लिए, अपने शहर के लिए मांग जाए, क्यों नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो हम उन्हें कुर्सी से भी उतारना जानते। मंडी समिति के पीछे सूत मिल वाले रास्ते में 3 दिनों से वाटर सप्लाई पाइपलाइन टूटी पड़ी है। घरों में पहुंचने वाला पेयजल सड़कों पर बर्बाद हो रहा है, लोग पानी भरी सड़कों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। मंडी समिति के पीछे एकता कॉलोनी है, मंडी के बगल से लाइन पार मेन रोड को जोड़ने वाली सड़क से 3 दिन पहले ईट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के गुजरने से वाटर पाइपलाइन फट गई थी। पाइपलाइन फटने से घरों में पहुंचने वाला पेयजल सड़कों पर बह रहा है, लोग पानी भरी सड़कों के बीच से गुजरने को मजबूर हैं, जिसे लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। ये है यहाँ पानी जो भरा हुआ है, यहाँ आगे टंकी फटी हुई है। तो कब से ये इस तरीके का दिक्कत आ रही है? 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई यहाँ नहीं आया कोई सही करने? कोई भी नहीं आया। क्या चाहते हो आप? ठीक कराओ। क्या समस्या है आगे? ये यहाँ से बहुत ज्यादा रास्ता खराब है और यहाँ पे पानी भर जाता है, तो निकलने की प्रॉब्लम। क्या वजह है कि पानी जो यहाँ भरा? ये टंकी की। तो कितने दिन हो गए अभी तक सही नहीं हो पा रही है? काफी दिन हो चुके हैं ऐसे, तो शायद 15-20। अच्छा, जैसे क्या मांग रहेगी आप लोगों की, क्या चाहते हो आप सरकार से? यहाँ की भी रोड बन जाए और ये पाइपलाइन वगैरह ठीक हो जाए। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को स्कूल जाते हो तो? बहुत ज्यादा होती है, यहाँ से ट्यूशन से वापस भी जाना पड़ता है, अगर ट्यूशन यहाँ से आते हैं तो ट्यूशन जाते हैं, घर भी। कौन सी रास्ता कहलाता है ये? ये मील का रास्ता।
शनिवार को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर के मित्तल उपस्थित रहे। टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को बेशकीमती उपहार दिए हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। हमें इस विकास यात्रा में मानव मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। वरदान को वरदान रहने दीजिएगा, इसे अभिशाप नहीं बनाइएगा। नकारात्मक सोच विध्वंस की जननी है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने के हादसे को उन्होंने मानव की विध्वंसात्मक सोच करार दिया। ये विचार जीजीएस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोफेसर आर के मित्तल के हैं। वह बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इससे पूर्व दीप प्रज्वलन के बाद हुई मां सरस्वती वंदना से कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एनआईटी कुरुक्षेत्र के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एचओडी डॉक्टर ए के सिंह, टीएमयू कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल, निदेशक प्रवेश एंड वित्त एसपी जैन, सीसीएसआईटी के प्राचार्य डॉक्टर आर के द्विवेदी मौजूद रहे। अंत में कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के अलावा सीसीएसआईटी की पत्रिका कंप्यूटिंग विजन का भी विमोचन हुआ। प्रोफेसर मित्तल ने स्मार्टफोन को आज की जरूरत बताते हुए कहा, मानव जीवन इस पर निर्भर हो गया है। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज तक इसका उपयोग होता है। ट्रेन का रिजर्वेशन हो या किसी अच्छे कॉलेज या होटल की तलाश या फिर रोजमर्रा की जरूरतें। डाटा को करेंसी के समान बताते हुए कहा, इसका जीवन में बहुत महत्व है। विमुद्रीकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे करेंसी को लेकर हम परेशान हो गए, इसी तरह डाटा लॉस हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यह सब मुमकिन है जो एक समय में हम असंभव समझते थे। इस संदर्भ में रोबोट का उदाहरण दिया गया। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है। विदेश से बेस्ट डॉक्टर्स हजारों किलोमीटर दूर बैठे मरीज को गाइड कर देता है। डिजिटलाइजेशन के भविष्य का रूप बताते हुए कहा, स्मार्ट होम्स में चिप लगे होंगे। यदि आपके साथ कोई हादसा होता है तो पुलिस को चिप स्वयं ही सूचित कर देगी। वी आर लर्निंग बाय द लीडर्स एंड आवर लीडर्स सेज अस दैट मेरी मेहनत में बसता है मेरे जिस्म का लहू। यकीन आए तो तन का देख लो ये पसीना। हर रोज मुस्कुराता हूँ मैं चलकर कांटों पर और लोग कहते हैं यार बड़ा आसान है तेरा जीना। We have served the purpose. Not taking much time, my heartiest congratulations to the college for organizing this conference and my sincere thank to my mentor Professor R.K. Mittal who has guided and this was a unique combination. People keep on saying that finding a registrar and a vice chancellor in such a harmony is a rare combination. When he was wonderful demitting his office, I was the one who was VP. Though I should have been the happiest person that I was elevated. Therefore, research is important. And my feeling is to save the nation, save the research. Country must give a lot of money to do research. And when we were Vishu Guru, that time we bolte the Rishi Muniyon ki dharti hai, that time Rishi Muni. And that is my contribution. And we did this in our NIT when I came here. Then in 2014 we had a conference and we didn't ask a single money from the government or any organization. We published a conference, this proceeding in computer procedure, and we got around 20 participants from their group. And all self-finance. Only thing. एनआईटी कुरुक्षेत्र के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के एचओडी डॉक्टर ए के सिंह ने इतिहास का हवाला देते हुए अपनी बात कही। रिसर्च होती तो हम गुलाम ना होते। रिसर्च को विकास की धुरी बताते हुए कहा, इसके बिना जीवन अधूरा है। रिसर्च न केवल विकास में सहयोगी है बल्कि किसी भी देश का चहुमुखी विकास भी इससे जुड़ा है। उन्होंने एयरक्राफ्ट के आविष्कार का उदाहरण देते हुए बताया, इसके जरिए कैसे मानव जीवन सरल हो गया। हजारों किलोमीटर की दूरी चंद मिनटों में तय की जाती है। उन्होंने कहा, अगर आप एक उम्दा रिसर्च करते हैं तो इसके आगे के परिणामों को भी अध्ययन करते रहना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। जॉइंट बैक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड रिसेंटली ऑन फ्यू ओकेजन्स आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद सर्टन सम एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। सो व्हेन एवर आई मेंशन दैट आई वाज द वाइस चांसलर देयर आई मेंशन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इट। So people know
the contribution of this university, and it was established in 2008 only, and 7-8 years it's a very. टीएमयू कुलपति प्रोफेसर आर के मुदगल ने ऐसी कॉन्फ्रेंस को समय की जरूरत बताते हुए कहा, इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी में इस तरह की कॉन्फ्रेंस को ब्रिज के समान बताया। I cannot afford MATLAB, so I started coding in Python 5 years ago. Any other questions, queries? Conference mein. HOD डॉक्टर आशेंद्र सक्सेना, कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर नमित गुप्ता, डॉक्टर संदीप वर्मा, फिरासत अली, रूपल गुप्ता, अंबुज अग्रवाल, नीरज कुमारी, अनु शर्मा आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS News, मुरादाबाद। रविवार को मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत की ये घटना मैनाठेड़ थाना क्षेत्र स्थित ताहरपुर की है। दरअसल कल्लू सिंह और प्रदीप लालपुर गंगवारी में अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए थे। उसी दौरान ताहरपुर में सामने से आ रही बाइक ने उसकी बाइक को रौंद दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये क्या नाम है इनका? कल्लू सिंह। आप क्या घटना हुई आप लोगों के साथ? हम इधर से आ रहे थे। ताहरपुर से आ रहे थे, सामान लेकर आए थे। शादी है, बारात जा रही थी साले की, तो ये सामान लेकर आ रहे थे। उधर थोड़ी स्पीड से आ रहा था। किस चीज़ से आ रहा था? वो उसको वो बाइक से था, हम भी बाइक से थे, वो कवर नहीं कर पाया, हमारी मोटरसाइकिल में लागत हो गई। तो कहाँ पर हुई घटना ये? ये ताहरपुर से लालपुर को जाता है, लालपुर गंगवारी में सुबह की। कितने लोग घायल हुए उसके? हम तो दो ही हैं, दो ही थे हम अपनी बाइक से। शनिवार की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चोरों ने कपड़े के शोरूम में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में चोरों के बड़े हौसले पर लगाम लगती दिखाई नहीं पड़ रही है। ताजा मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गुजरने वाले मुरादाबाद हरिद्वार नेशनल हाईवे किनारे का है। यहां चोरों ने रिलायंस ट्रेंड से लाखों की बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला है। फिलहाल चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टोर मैनेजर के मुताबिक चोर स्टोर में महिला चेंजिंग स्टोर के रोशनदान से दाखिल हुए और फिर स्टोर में रखी तिजोरी को तोड़कर 1,30,000 रूपए नगद और हजारों के कीमती कपड़ों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। स्टोर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोरों ने स्टोर में रखे सीसीटीवी कैमरे को तोड़, सीसीटीवी कंट्रोल रूम को भी बुरी तरह तोड़कर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी नष्ट कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से मौका मुआयना किया है और पुलिस ने फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शनिवार की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दरोगा ने नशे की हालत में नशा मुक्ति केंद्र पर जमकर गुंडई की। इस पूरे मामले में पीड़ित को कोई कानूनी मदद नहीं मिली है। मुरादाबाद जनपद में पुलिस दरोगा की गुंडागर्दी का सनसनीखेज वीडियो सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। शराब के नशे में धुत एक पुलिस दरोगा ने नशा मुक्ति केंद्र में जाकर पहले तो वहां इलाज करा रहे लोगों से जमकर मारपीट की और उसके बाद दरोगा का विरोध कर रहे केंद्र के संचालक पर रिवॉल्वर तानकर उसको जमकर धमकाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार स्थित जीवन उदय नशा मुक्ति केंद्र में हुई इस घटना के बाद संचालक खौफ में है। संचालक के मुताबिक शराब के नशे में धुत दरोगा जितेंद्र सिंह अपने दो सिपाहियों और एक दोस्त के साथ नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचा और जबरन गेट खुलवाकर अंदर दाखिल हो गया। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर आते ही दरोगा ने गाली गलौज शुरू कर दी और केंद्र में भर्ती लोगों से मारपीट शुरू कर दी। केंद्र में भर्ती लोगों को मारने पीटने के बाद दरोगा जितेंद्र बाहर आया और संचालक को गाली देते हुए अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और संचालक के सीने पर रिवॉल्वर तानकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस दरोगा की इस गुंडागर्दी को देख हर किसी के हाथ पांव फूल गए और संचालक ने किसी तरह मौके से भागकर जान बचाई। पीड़ित संचालक के मुताबिक दरोगा जितेंद्र शराब का आदी है और एक साल पहले उसका इलाज इसी नशा मुक्ति केंद्र में परिजनों ने कराया था।
शराब पीने के बाद जितेंद्र की दबंगई से परेशान उसका परिवार 3 बार उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा चुका है और दरोगा को अब भी परिजनों द्वारा भर्ती कराए जाने का आदेश था, जिसके चलते वह संचालक को धमकाने पहुंचा था। पीड़ित संचालक के मुताबिक दरोगा ने सेंटर में भर्ती 5 लोगों से मारपीट की और उनसे जबरन संचालक पर मारपीट का आरोप लगाने को कहा। मारपीट में एक मरीज को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने सिविल लाइन्स थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों से दरोगा की दबंगई की शिकायत भी की है। मामला पुलिस दरोगा से जुड़ा है, लिहाजा आला अधिकारी मामले पर जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। रवि जी, एक क्या घटना हुई है यहाँ पर आज? आज ऐसा हुआ कि शाम के टाइम में हमारी मॉर्निंग मीटिंग, उसकी इनपुट क्लास होती है शाम को 5:30 बजे। अचानक एक ऐसा ही आए, उन्होंने नशे की हालत में थे, उन्हें अपना तन मदन तक का कोई होश नहीं था और आने के बाद में उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा और सबको लाइन में खड़ा किया और सबके साथ में मारपीट। पहले हमारे चीफ साहब के साथ उन्होंने मारपीट की, फिर उसके बाद में मेरे साथ में मारपीट की, जिससे मेरे ये चोट लगी। ये है चोट, मेरे तरीके से सही तरीके से नहीं आ पा रही। अच्छा, कितने लोग थे वो? एक कॉन्स्टेबल था उनके साथ, 2 कॉन्स्टेबल थे, एक लड़का था उनका और वो एक ऐसा ही थे। अच्छा, वर्दी में थे वो लोग? वर्दी में थे। अच्छा, क्यों मारपीट कर रहे थे आप? क्या कह रहे? मारपीट ही, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, बोले अपने वर्दी का रोब जमाया उन्होंने अंदर जाने के बाद में। कोई तो वजह रही होगी जिससे वो दबाव बना रहे थे, बोले क्या नाम है कि आप ये कहो कि नहीं ये सेंटर वाले आपको मारते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है सेंटर में। सेंटर में एक फैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? जी, 5 लोगों के साथ में मारपीट हुई। अच्छा, कोई पिस्टल वगैरह भी तानी है उन्होंने? जी। तो कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? जी हाँ, सिविल लाइन थाने में उनके एक प्रार्थना पत्र दे दिया। साहब है जो सिविल लाइन कोतवाली में इस समय है, वो पिछले वर्ष 1 साल पहले मेरे यहाँ एडमिट हुए थे एज ए पेशेंट। उनकी मम्मी ने, उनके पापा जी ने, उनकी मिसेज ने मुझे मेरे पास उनको एडमिट किया था। आज वो अचानक से सेंटर आए 6:20 पर। मैं अपने ऑफिस में था, 2 फैमिली भी और अंदर बैठी हुई थी, स्टाफ के बंदे थे, 2 सिपाही थे उनके साथ। गेट पर जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, तुरंत ही गाली गलौज, भद्दे शब्द बोले, ये गेट का दरवाज़ा खोलो अपना और मुझे अंदर जाने दो। मेरे, आप बताओ क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बैठिए पानी पीजिए। लेकिन उन्होंने एकदम पिस्टल निकाली, बोले गेट खोल, इसका गेट का दरवाज़ा खोल, नहीं तो साले गोली मार दूंगा। सीधी इन्होंने अपनी सरकारी पिस्टल मेरे सीने पर लगा दी। जो सिपाही थे उनके साथ, उन्होंने मुझे इशारा करा आप गेट खोल दो। मैंने सेंटर का गेट खोल दिया, वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पेशेंटों से पूछा आप लोगों को कोई परेशानी? पेशेंटों ने जवाब दे दिया कोई परेशानी नहीं। फिर उन लोगों से उन्होंने गाली गलौज किया, मारपीट की और मेरे एक पेशेंट के सिर में भी काफ़ी चोट आई है, लगभग 3 या 4 टाँके उसके आएंगे। एक पेशेंट की मेरी उंगली टूट गई और पिस्टल लेकर उन्होंने चारों तरफ को लहराई। अगर मेरे किसी पेशेंट के या मेरे स्वयं के वो गोली लग जाती तो हमारा तो विनाश ही हो जाता, क्या उनकी फैमिलियों को मैं जवाब देता? तो इसमें मेरा कसूर क्या है? एक सरकारी पुलिस विभाग के कार्यरत अधिकारी इस तरीके से ऑन ड्यूटी इस तरीका का करेंगे तो हम कहाँ जाएं? मजबूरन मुझे सेंटर छोड़कर भागकर जाना पड़ा। इधर उधर मैं गया, DIG साहब को भी कॉल करी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं। DIG साहब ने कॉल रिसीव की आपकी? कॉल रिसीव की है। क्या कहा उन्होंने? बोले ठीक है, हम देखते हैं, हम उसको आपके ही सेंटर में एडमिट करा देंगे। ये जवाब था। फिर कारण क्या रहा, क्यों इस तरह? कारण ये है इसका कि जब भी ये अधिक नशा करते हैं जितेंद्र जी, तो इनके मम्मी पापा बीवी इन्हें सेंटर में एडमिट कराते हैं। ये लगभग 3 बार मेरे यहाँ एडमिट हो चुके हैं, तो इन्हें ये मालूम था कि अब मैं अधिक नशा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले मुझे सेंटर भेज देंगे। तो उस डर की वजह से इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, गाली गलौज की, मुझे मारने का प्रयास करा। बोले अब ये नहीं होंगे तो मैं सेंटर जाऊँगा कहाँ। इस सेंटर के अलावा भी वो गाजियाबाद में भी एडमिट रह चुके हैं। अब आप सेंटर चलाएंगे या बंद करेंगे मुरादाबाद में इस तरह की हरकतों के बाद? सर अब तो ये मेरी मजबूरी है, क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं? एक बच्चा है, सेंटर को संभालूं, अपनी जान को संभालूं, किस किस को संभालूं? तो आप क्या लगता है आगे चलाएंगे या बंद कर देंगे?
अगर मेरा समर्थन हुआ तो जरूर प्रयासरत रहूंगा, और मुझे दिक्कत आई तो क्या कर पाऊं, बंद कर देंगे, मजबूरी है मेरा, गुनाह क्या है, बस ये। शनिवार की रात मझूला थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत की ये घटना मझूला थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सामने की है। दरअसल मझूला थाना क्षेत्र के नया गांव अम्बेडकर नगर निवासी जगदीश का बेटा पारुल बीती रात लाइन पार शादी से घर बाइक द्वारा लौट रहा था। उसी दौरान मझोला थाना क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सामने अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। प्रिंसिपल, मृतक कौन है आपके? अच्छा, क्या घटना हुई, क्या जानकारी मिली आपको? कोई अवैध वाहन से रगड़ के चला गया। कहाँ पर? नए गाँव राधा कृष्ण मंदिर के पास। किस समय घटना? लोग रात करीब 1-2 बजे हमें पता चला था। शादी से गए तो वाहन का पता चला किसका? वाहन का पता कोई नहीं चला। शनिवार की रात डिलारी थाना क्षेत्र में हाई टेंशन तार के चपेट में आने पर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आने पर युवक की मौत की ये घटना डिलारी थाना क्षेत्र स्थित वाजिदपुर की है। दरअसल यहां का रहने वाला इकबाल ईंट के भट्टे पर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। बीती रात वह घर से भट्टे को साइकिल द्वारा जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में टूटे तार की चपेट में आकर उसकी करंट लगने से मौत हो गई। देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बिजली विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। तो मेरा भाई है। क्या घटना हुई उसके साथ? ऊपर से लाइन आ रही थी, ऊपर से तार गिर गया, वो काम करने भट्टे पे जा रहे थे। तो क्या रास्ते में लाइन गिरी है? हाँ, रास्ते में बजीतपुर के गुलरिया के बीच। तो कोई बिजली का अधिकारी पहुंचा वहाँ पर? जी नहीं पहुंचा। क्या करते थे आपके? शनिवार की शाम लाकड़ीवालान स्थित शिया मस्जिद में हजरत अब्बास आलमदार की विलादत के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत मस्जिद के इमाम मौलाना तनवीर ने की। लाकड़ीवालान शिया मस्जिद में हजरत अब्बास आलमदार की विलादत के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत मस्जिद के इमाम मौलाना तनवीर साहब ने की और निजामत मंजर अब्बास ने की। इस मौके पर सभी शायरों ने अपने अपने कलम पढ़कर वाहवाह लूटी। घर में विलादत और खुदा के घर में विलादत और नबी के घर में निकाह, अली के जैसा मुकद्दर कहां था। जलसे के इस मौके पर मोहम्मद अब्बास, जमा हैदर, मोहम्मद आलम, मास्टर नसीम हैदर, सुहेल जैद मौलाना, मुजफ्फर सुल्तान तुराबी आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के आयोजन की उल्टी गिनती शुरू। कंपनी बाग और जिगर मंच पर चल रही जोर शोर से तैयारी। 9वीं वाहिनी PAC में 21वीं अंतरवाहिनी कुश्ती बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले। वाल्मीकि समाज का मंडलीय अभिनंदन समारोह आयोजित। राष्ट्रीय सफाई आयोग के चेयरमैन मनहर भाई वालजी भाई जालाजी रहे मुख्य अतिथि।
शिवसेना के राज्य महासचिव सिमरन गुप्ता पहुंचे महानगर, जिले के कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। नगर निगम की अनदेखी से 3 दिन से बह रहा है जीवनदायिनी जल, लोगों को हो रही भारी परेशानी।